गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़े ही सुख की अनुभूति होती है जब आपके हाथों से लगाया हुआ एक एक प्लांट पूरी बगिया का रूप लेता है और आपको ऐसा फील आए कि मैं प्रकृति की गोद में ही बैठी हूँ। तो मुझे यहाँ पर आकर इस जगह पर कुछ ऐसा ही महसूस होता है और यही मैं आपको इस वीडियो में अपने प्लांट्स को दिखाने वाली हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी एक हाथ मेरे साथ बढ़ाएं और गार्डनिंग की शुरुआत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह से अच्छी अच्छी जो भी वीडियोस शेयर करती हूँ आप, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत ड्रेसिना के प्लांट के साथ में। इसके पीछे मेरा साइकस और पीछे ये जो एक प्लांट दिख रहा है ये सुख शांति का पौधा है जो मेरा लगभग मर ही गया था, ये देखिए। लेकिन इसके साथ से फिर से फुटाव हो गया, तो इसकी जो खुशी होती है ना कोई जाते हुए प्लांट की, वो खुशी मैं आपको बता ही नहीं सकती। साथ में ये गोल्डन मनी प्लांट, इसे पॉथोस भी कहते हैं, अब पॉथोस हो गया, वैसे तो शुरू से मनी प्लांट ही था, इसका साइंटिफिक नेम है। ये मैंने कटिंग लगाई थी गुलाब की और ये खूबसूरत बहुत ही हेल्दी और अच्छा टचवुड मेरा एक और मनी प्लांट, दिस इज फिलोडेंड्रॉन साइकस। इसके पत्ते थोड़े जलने लगे थे तो मैंने इसे पीछे रख दिया, शायद सुबह की ही थोड़ी धूप आती पर फिर भी इसको हार्ड लग रही थी। ये भी एक और फाइकस है, वेरीगेटेड फाइकस है ये। ये मेरा हिबिस्कस, ये वेरीगेटेड हाइब्रिड है और इस पे ऑरेंज फ्लावर आते हैं, अभी बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखिए कितना हेल्दी हरा भरा, मैं थोड़ा दूर जाकर आपको दिखाती हूँ, डबल पेटल चांदनी, कितना हरा भरा बड़ा प्लांट। इसका मैंने ये प्लांटर चेंज किया और इसको ग्रो बैग में लगाया है, काफी बड़ा साइज का ग्रो बैग है ये। साथ में फॉक्सटेल फर्न, ये पिटूनिया, एक्सोरा, इस बार मेरे से एक्सोरा में कोई फ्लावर आया नहीं, वैसे पिंक फ्लावरिंग होती है ये, मैं इसका नाम अभी भूल गई, मैंने गूगल लेंस से इसका नाम सर्च किया था। ये अगेन मेरा देसी गुड़हल है और काफ़ी हेल्दी हरा भरा, देखिए कितना बड़ा, मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा प्लांट है। डेविल्स विक पॉन, दिस इज टिकोमा। इस टिकोमा को मैंने लास्ट वीडियो में, इसको जरूर देखना, देखिए इसकी क्या से क्या हालत हो गई। एक्चुअली अभी मैंने इसकी प्रोनिंग कर दी है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी। और ये फर्न, ये इंडिका, मैंने बीज लेकर आई थी, मैंने ये बीज से लगाए थे, अभी ये चार पांच प्लांट बचे हैं बस। वांटिंग ट्यू, ये मेरा किंडन गार्डन है, ये प्राइमरी सेक्शन है। एक्चुअली छोटी छोटी कटिंग्स लगाकर मैंने कोलेंचो और छोटे छोटे जो भी कोई प्लांट्स हैं इस तरह से वो तैयार किए हुए हैं, गुलदावदी सबकी कटिंग लगाई हुई है। कॉलियस, ड्रेसिना और ये देखिए मेन अट्रैक्शन, कितनी बड़ी हो गई है ये देखिए, और नीचे तक कहाँ तक आ चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। एक और ड्रेसिना, ये मेरा बैम्बू पाम, इसके पीछे गिलोय की बेली, देखिए कैसे ऊपर तक जा रही है, बहुत ऊपर तक चले गई। यहाँ एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया उड़ गई, सिर्फ घोंसला बचा हुआ है, सिर्फ मेरे को याद आती रहती है इससे उनकी। ये रोज, इसको मैं धूप में निकालूंगी अब। अनार की मैंने कटिंग कर दी, ये मैं हर साल लेकर आती हूँ और अब की बार
देखो मैं इसमें शायद सक्सेस हो जाऊं। इसमें एक्चुअली जब विंटर की शुरुआत होती है तो बैक साइड में इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं, तो उससे प्लांट को बचाना तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे बहुत करना पड़ता है। ये लेमन साइप्रस, ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा है। रियो, क्रिसमस ट्री, एलिफेंट ईयर, और साथ में आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। इन्हीं सब गमलों पर मैंने अभी पेंट किया है, तो पेंट करने के बाद थोड़ी सी और आब आ जाती है और सुंदर लगने लगते हैं। देखिए इधर नहीं कर पाई हूँ, जैसे इस पर, ये मेरा मोर पंखी कॉलियस, ही मैंने आपको बताया था इंडिको जो मैंने बीज से लगाए थे। ये बैंगन का पौधा है, ये टमाटर, गुलदावरी, ये तोरी की बेल थी, ज्यादा अच्छे से चल नहीं रही, कनेर, ये देखिए एलमेंडा, एलमेंडा की बेल दिखाती मैं आपको, कहाँ तक कैसे ऊपर तक चढ़ रही है। ये देखिए मैंने इसके लिए छोटी सी ऐसे आर्क भी बनाई है, ये मुझे सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर टांगनी पड़ेगी। अब इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, कितना खूबसूरत फ्लावर है इसका। ये मेरा डेट पाम, और डेट पाम को तो मैं थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ इसमें, क्योंकि नई शूट्स भी निकल रही हैं, अभी अभी निकली हैं ये, दो तीन एक हफ्ते से ही निकल रही हैं ये। ये भी काफ़ी हेल्दी और अच्छा प्लांट है। ये मेरे साथ में ये है मेरे मिनी गार्डनर्स, ये मैंने खुद ही बनाए हैं, एक वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है DIY, चाहे तो आप देख सकते हैं। और ये नीचे कॉलियस, ये बॉटल में लगाया हुआ है, इसके पीछे एलमेंडा, और ये यक्का का प्लांट, साथ में तुलसी है, इधर डेवल्स बैकबोन, और इसके पीछे अनार, और ये है मेरी क्यारी। लेकिन ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी हम पहुंचते हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था, और एक बार फिर से देखिए मेरी मेहनत। आप भी चाहें तो ऐसे ही पेंट कर सकते हैं। मैंने गमलों पर, आपको पेंट भी दिखाती हूँ कौन सा पेंट किया मैंने। ये पेंट किया है एपेक्स का एशियन पेंट, तो ये सारे मिट्टी और सीमेंट इन सब पर किया है, प्लास्टिक वालों पर मैंने पेंट नहीं किया। ये भी दिखा देती हूँ आपको मैं पेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, और आप इस सुख की अनुभूति कर सकें इसके लिए आप भी गार्डनिंग, अगर बिगिनर्स हैं तो शुरू कीजिए, छोटे छोटे पौधों से शुरू कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खूबसूरती के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, स्टे हेल्दी, बाय।